वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल इनसाइट। मैं प्रिया, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, थंबनेल एंड टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पे वीडियो होने वाली। अगर वीडियो क्लिक की है तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी निविया के डिओडोरेंट के बारे में और उसकी फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे। गाइस, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर इंटरेस्टिंग लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में छोटा सा बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि गाइस आने वाले टाइम में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस लाने वाली हूँ चैनल पे बहुत सारे। तो अभी से आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आप लोग वीडियोस देखते हैं और एंड में जाके वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं, तो क्या आप लोग पहले ही वीडियो लाइक कर दीजिए। तो चलो जल्दी से गाइज आज की वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं ये मेरे एक कॉम्बो का, जिसमें मुझे मैंने परचेज किए हैं निविया के डिओडोरेंट। यहाँ पे मैंने ये दो परचेज किए हैं। इसके बहुत सारे आप लोगों को वेरिएंट देखने को मिलते हैं, आई थिंक 5 to 6 बहुत सारे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो परचेज किया है मैं आप लोगों को उनके नेम बता दूँ। ये है मेरा फ्रेश कम्फर्ट एंड ये है पर्ल एंड ब्यूटी। इस पर्ल, तो आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब गाइस, ये है मेरे निविया के डिओडोरेंट। यहाँ पे मैंने इसका कॉम्बो सेट परचेज किया है। तो इसकी पैकेजिंग यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी क्लासी इसकी पैकेजिंग है। और यहाँ पे आपको ये मेटल की बॉटल मिलती है और प्लास्टिक का आपको कैप यहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो इस तरीके से इसका लॉक सिस्टम है, तो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा दूँ किस तरीके ओपन होती हैं। और गाइस सबसे अच्छी चीज़ इसमें पता है क्या है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई भी कैप का झंझट नहीं है, तो नो लीकेज। तो इस तरीके से आप इसे ओपन और क्लोज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया वाली चीज़ है। तो यहाँ पे जो मैंने इनके वेरिएंट परचेज किए हैं गाइस, तो यहाँ पे मैंने इनके परचेज किए हैं, ये हमारे हैं पर्ल एंड ब्यूटी एंड फ्रेश कम्फर्ट। तो ये इस तरीके के हैं। बाकी आप लोगों को 5 to 6 और वेरिएंट मिलते हैं, तो मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया है गाइस। तो आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी चलिए जल्दी से इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को 48 आवर का प्रोटेक्शन मिलता है। और आगे मैं बताऊँ तो ये 0% एल्कोहल है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे पर्ल एंड ब्यूटी की बात कर लेते हैं। तो पर्ल एंड ब्यूटी में आप लोगों को इसे रीड कर लीजिए कि इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। बाकी वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ इसका फ्रेग्रेंस टेस्ट के बाद कि हाँ ये सच में इफेक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ तो गाइस डायरेक्शन में आप लोगों को देखिए, यहाँ पे आप लोग रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि गाइस ये ओनली आप स्किन में ही अप्लाई कीजिए। अगर आप लोग इसे कपड़ों पे अप्लाई करते हैं तो इसमें से एक वाइट कलर का जो स्पॉट होता है वो आप लोगों के कपड़ों पे पड़ जाएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना वो कुछ पाउडरी वाला फॉर्मूला है आता है अगर कपड़ों पे आप इसे यूज़ करते हैं। बाकी गाइस मैं आगे नीचे बढ़ूँ तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी बेस्ट बिफोर और मैन्युफैक्चरिंग और प्राइसिंग दिखाई गई है। तो यहाँ पे ये जो पर्ल एंड ब्यूटी है ये मुझे 225 रुपये यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी इसकी 2 ईयर सेल्फ लाइफ है। यहाँ पे 150 ml की ये हमारी बॉटल है। तो चलिए गाइज अब हम देख लेते हैं हमारी फ्रेश कम्फर्ट के बारे में। तो जो गाइज हमारी फ्रेश कम्फर्ट है यहाँ पे भी सारा इसमें जो भी मेंशन है वो सब देखिए आप। ये इसके कुछ डायरेक्शन है जो सेम होने वाले हैं, डायरेक्शन तो सेम ही है। बाकी 150 ml की ये मुझे बॉटल मैंने परचेज़ की है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग 3 ईयर्स है एंड इसका प्राइस 199 रुपीज़ है। तो गाइज ये थी हमारी बॉटल एंड उसकी डिटेलिंग की बात। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। गाइज अब हम लोग बात करेंगे इसकी फ्रेग्रेंस की। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूँ तो मैं यहाँ पे फ्रेश एंड कम्फर्ट की बात करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको शेक करना है बहुत बढ़िया तरीके से, उसके बाद इसको अनलॉक करना है। तो गाइज मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, ये गैस है और थोड़ा सा वाटर भी आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। गैस एंड वाटर दोनों है, क्योंकि देखिए आप खुद से देखिए तो गैस इसमें है, ऐसा नहीं है कि नो गैस वाला इसका फॉर्मूला है। और पर आपको वाटर मिलता है और देन वो 5 to 4 सेकंड में ही आपका यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो जाता है।
गाइज आई लव इट, आई लव इट, लव इट, लव इट सो मच. तो मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि मैं आप लोगों को, अगर आप लोग यू नो इसे अपने हाथ में पकड़ पाते ना तो आप लोग देखते. ये मोस्टली यू नो थोड़ा सा बचा है, बहुत थोड़ा सा, इसे मैंने टोटली यू नो ख़त्म कर दिया है. और बहुत मुझे इसकी फ्रेगनेंस पसंद आई. इसकी फ्रेगनेंस एकदम से फ्रेश करने वाली फ्रेगनेंस है. एकदम आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो एकदम फ्रेश हो गया है और एकदम नेचुरल इसकी फ्रेगनेंस है ना. इसकी तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैं सुबह बाथ लेके आती हूँ गाइस, टू बी ऑनेस्ट, तो मैं सबसे पहले इसको अप्लाई करती हूँ और पूरे बॉडी में. और ये मेरी कितने टाइम तक स्टे करती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके 4 घंटे के ही अंडर में स्टे करती है, उससे ज़्यादा नहीं करती है. टू बी ऑनेस्ट, लोग आपको 7-8 घंटे बताएंगे पर नहीं करती है, सिर्फ 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे. अपने बॉडी का भी यू नो वो होता है कि अपने बॉडी के हिसाब से कितने टाइम स्टे करेगी. पर गाइस मैं ऐसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को जो रिव्यू दे रही हूँ बिल्कुल ऑनेस्टली दे रही हूँ. 4 घंटे से ज़्यादा ये स्टे नहीं करेगी. मतलब प्रेगनेंस कैसी होती है गाइस, कि अगर आप लोग कहीं बैठे हैं किसी के साथ आसपास गुजर रहे हैं तो उसको भी फील हो, उसको भी समझ में आए हाँ ये इसने ये मतलब कोई अच्छा सा परफ्यूम यूज़ किया, डियो यूज़ किया. तो इसकी फ्रेगनेंस ओनली 4 से 5 आवर्स तक ही स्टे करती है, पर इसकी स्मेल बहुत अच्छी है. अगर आप एक बार इसे ट्राई करके देख लीजिए और कमेंट करना मुझे कि आपको कैसी लगी है. तो चलो अब हम नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं, उसकी तो बहुत तारीफ कर दी, तो चलो इसकी बात करते हैं. तो इसकी फ्रेगनेंस से पहले हम इसको अच्छे से शेक करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे और इस वाले हैंड पे इसे यूज़ करते हैं. बहुत ही कम सेकंड में ही ये ड्राई हो जाता है. और गाइस स्किन में ही इसे अप्लाई करना, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप लोग इसे कपड़े पे अप्लाई करेंगे ना तो ये यू नो उसका स्पॉट पड़ जाता है वाइट कलर का, बहुत ही गंदा लगता है. एक बार मेरे संग ऐसा हो चुका है, ब्लैक कलर की जैकेट में मैंने इसे स्प्रे कर लिया था और यहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ यूज़ किया था ना वहाँ पे वाइट कलर का स्पॉट पड़ गया था. और मैंने उस टाइम देखा नहीं, काफ़ी थोड़ी देर बाद जब वो ड्राई हुआ तो देखा. तो गाइज इसकी स्मेल मैं एग्जैक्टली आप लोगों को बताऊं, एग्जैक्टली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसकी स्मेल आपने पॉन्ड्स का पर्पल वाला जो टेलकम पाउडर आता है ना, हर किसी ने पॉन्ड्स का पर्पल वाला टेलकम पाउडर यूज़ किया ही होगा, सच में किया होगा. ऐसा कोई है ही नहीं जिसने वो वाला टेलकम पाउडर यूज़ ना किया हो. तो एग्जैक्टली बहुत अच्छी है, बहुत काम है, बहुत ही माइल्ड सी है. और मतलब दोनों ही निविया के जो हमारे डियोज हैं उनकी स्मेल आप लोगों को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती है, आपके एटमॉस्फेयर को बहुत ही प्यारा सा सूथिंग सी स्मेल है. पर और काफ़ी हटके इसकी फ्रेगनेंस है, दोनों ही अपने आप में बहुत ही हटके फ्रेगनेंस है. मोस्टली क्या होता है ना, सिट्रसी, फ्रूटी, स्वीटी, इस तरीके की स्मेल मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलती है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है. पर्सनली निविया के जो परफ्यूम डियोज होते हैं मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि उनकी स्मेल सबकी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही माइल्ड सी होती है, जो आप लोगों को सब में अलग अलग सी फ्रेगनेंस मिले. तो इसकी स्मेल वैसी है. तो यहाँ पे दोनों ही मेरे फेवरेट हैं और दोनों ही, और पर अगर मैं अपना कंपेयर करूं इन दोनों का और अपना लास्ट में अपना जो ओपिनियन है वो आप सबके साथ शेयर करूं, तो गाइज यहाँ पे मुझे फ्रेश कंफर्ट का ज़्यादा अच्छा लगा है इन कंपेयर टू पर्ल एंड ब्यूटी, बिकॉज इसकी स्मेल मुझे बहुत ही हटके लगी है. इसको मैंने इसकी स्मेल मैंने इससे पहले कभी भी यूज़ नहीं की है. और इसकी स्मेल मुझे ऐसे लगती है कि मेरे को, मेरे माइंड को, मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्रेश करती है, तो मैं इसको डेली बेसिस पर लगाना प्रेफर करती हूँ. तो अगर आप लोग मेरा एक्सपीरियंस और मेरे यू नो चॉइस के हिसाब से परचेज़ करते हैं तो आप एक बार फ्रेश एंड कम्फर्ट परचेज़ कीजिएगा. वैसे अगर गाइस मैं पर्ल एंड ब्यूटी की बताऊं तो ये भी बहुत अच्छा है, पर अभी मैंने इसको बहुत कम यूज़ किया है, इसी को यूज़ किया है. सो गाइस ये बात थी फ्रेगनेंस की. और ये जो मेरे वीडियोज़ होते हैं ये मैं खुद से परचेज़ करती हूँ इन सारे प्रोडक्ट को, इन जो भी प्रोडक्ट का मैं आप सबके साथ रिव्यू करती हूँ. तो प्लीज़ यार आप लोग
वीडियो देखते हो लाइक करो, मुझे मोटिवेट करने के चैनल सब्सक्राइब करो और बताया करो कि वीडियोस कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आगे भी मैं आप सबके संग इसी टॉपिक पे, इसी मिलते जुलते टॉपिक पे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। और किस डीओ एंड परफ्यूम का रिव्यूज़ आप देखना चाहते हैं चैनल पे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और दीजिए अभी से। चलिए गाइस, मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ये वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलिए। बाय बाय।